तस्वीरां च नजर आ रहा यह खुला डुला घर घर के इस परिवार के जी इस वेले बेहद परेशानी चो लंघ रहे ने। बेशक आर्थिक तंगी सी पर कुछ दिन पहला इस परिवार के जी बड़े खुश सन। जिंदगी सहजे सहजे पटड़ी ते चल रही सी पर अचानक परिवार के नौजवान ते ओ खतरनाक दोष लग जांदा है जिस नाल हुण टब्बर नूं हत्थां पैरां दीआं पै गईआं ने। मामला है जिला संगरूर के अधीन पैंदे लहरा गागा दा जिथे इस परिवार का व्याह वरिया ते बाल बच्चेदार नौजवान लखवीर सिंह लखा अपनी रोजी रोटी लई राजमिस्त्री का काम करता सी। परिवार के जी अनुसार वह काम का पूरा मेहनती सी, घरों काम ते काम तो सीधा कर, बस एहो उसकी जिंदगी सी। आमदन इन्नी सी कि कई बार बच्चों के स्कूल की फीस देनी भी औखी हो जाती सी, पर बावजूद इसके वह अपने परिवार के नाल खुश सी। अचानक इस परिवार नूं बिन बुलाई मुसीबत उदों घेर लैंदी है जद इस दे जीआं नूं इह पता लगता है कि पुलिस ने लखबीर नूं बेहद खतरनाक दोष लाउंदे होए हथियारां सने गिरफ्तार कर लिया। गगनदीप कौर जी, गगनदीप कौर तुहानूं पता है तुहाडा घर दा की नाम सीगा? लखबीर सिंह। उहनां नूं गिरफ्तार कीता गया ते उहदे इल्जाम लाए गए कि ओह खालिस्तानी नाल संबंध नहीं। नहीं जी, मैनूं इस बारे कुछ भी नहीं पता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਜੇ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। मेरे पति ऐसा काम नहीं करते है, क्योंकि साढ़े घर का ही गुजारा मसा हों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हजे तक तो असं बच्चों की फीस ही नहीं भरी हैगी जी। भी गलत गल है जी, उन्होंने कोई साजिश होनी उन्होंने, जिम्मे सिखा तो होना है भी हो सकता इल्जाम लगाए होने, झूठा भी केस पा सकते हैं। पाल सिंह जी, ना जी वह तो लगातार साढ़े ला लो भी साल वागू हो गया, साढ़े 2 किलों की बाही तो कम चलता सीगा, 2 कोठियां ने पहला बनाई ने, तीजी अद्ध विचाले पई है, चौथी का उन्हें कम छेड़िया हुआ सीगा, वो कदे भी मतलब घरों बाहर नहीं गया जी, ना उन्हें कदे रात कट्टी है बाहर। असी तो आप इस गल तो हैरान है भी यह गल मतलब की हो गई जी। जे फंडिंग का मसला आता जी, तुम देख लो घर भी क्या साढ़े घर के हालात ने, बाकी आ बच्चों की फीस नहीं उतो भरी गई जी, हजे स्कूल की पर्ची भेजी हुई है जी, 10,000 10-13,000 रुपए की जी, अज तक उतो फीस नहीं भरी गई। जे फंडिंग होंगी होंगी तो फीस भी बच्चों की भर दिता जी। साड़ी आप समझ तो बाहर है जी गल, यही भी असी सारा पिंड भी इस गल तो हैरान है भी यह भी मुंडा कदे मतलब बाहर अंदर नहीं गया है, यह भी होंदा चलो जदों भी सहुरे जाता शाम को 6 बजे हट के आउंदा, 10-12 किलोमीटर ते सहुरे ने उहदे, शाम को आउणा इहने मतलब भी नाल बच्चों ले जा के रात कट के आपदे सहुरे, सवेर नूं इहने आपदा दिहाड़ी तो पहला जदों कम ते जाणा होंदा 7 बजे नूं इक पिंड आ जाता सी। नहीं सानू तो जी इस बारे कोई पता नहीं, सानू ना मतलब उन्होंने कोई दिखाया, असी तो सारा परिवार थले जी। ये काम मतलब मकान उसारी का काम करता सीगा जी, जिहड़ा ये पढ़िया होया मेरे हिसाब नाल +2 होना जी, शायद पक्का मेरे याद नहीं, अंडर हो सकता पता नहीं, +2 पास है जी। तो थोनू मैं पहला भी दस के हटिया भी साल तो यदा लगातार पिंड दे विच काम चलता सीगा, जिहदे काम चलता उन्हां तो भी तुसीं इस गल दी जानकारी लै सकदे हो भी इह काम ते आउंदा सीगा जां ना आउंदा सीगा। डेली इह काम ते ने सवेरे 8 बजे जाना, दुपहरे रोटी खाण आउणा 1 बजे,
साढ़े बारह एक बजे जिहड़ा मिस्त्रियों का टाइम हुंदा जी, तो शाम को मतलब छे साढ़े छे बजे यह आवी जिदे भी मतलब उरे रेड पई है जी उदे भी यह अठ अठ बजे से जी दो मतलब यह जी कोठे से पे से। ये बारे जी मैनू देखो कोई जानकारी नहीं एवं सोनू मैं कह दिया भी ये हो है। बाकी फेसबुक जिहड़ा मोबाइल भी ये लवे ये चाचे दे मुंडे नहीं दिता सीगा हुण इहनू मेरा ख्याल महीना की होना शायद ये लवे आपदा भी पहला मोबाइल नहीं सीगा जिहड़ा हैगा सीगा घर हुंदा सीगा ये बच्चे देखते हुंदे सीगे जी ये लवे छोटा मोबाइल हुंदा सीगा एक। हो सकता जी कोई सास हो जिमें सिखा मतलब निशाना बनाया जा रहा कोई भी सास हो सकती है फसाउन। हाँ जी कदे भी ला लो हुण तुसीं भी सारा दिन थोड़े नाल साडा मेल रहिंदा जी शहर दे विच अज तक साडी कोई मतलब कोई भी तुसीं देखिया भी साडियां मतलब तुसीं ओह भी करदे हो गतिविधियां अज तक साडे ते कोई मतलब इही जी ओह नहीं हैगी। बाकी सारी सी आई डी नूं भी मेरे बारे पता जी मतलब किहे जे इह ओह ने उहनां ने भी मतलब मैनूं फोन करके कहा भी यार भी तेरे वर्गा इहो जिहा शरीफ बंदा ये गल असीं साडे तां समझ तों बाहर है भी इह की हो रिहा। दूजे पासे इस मामले च पुलिस ने लखबीर ते जो खतरनाक दोष लाउंदे होए इसनू गिरफ्तार कीता है इस बारे पुलिस दा की कहना है सुनो पुलिस कप्तान इन्वेस्टिगेशन दी जुबानी। संगरूर पुलिस ते इंटेलिजेंस दे जॉइंट ऑपरेशन दे विच सानू सक्सेस हासिल हुई है जिहदे विच लखबीर सिंह उर्फ लखा जो कि लहरे एरिया दा रहण वाला है राजमिस्त्री दा काम करदा सीगा उसनू इनफॉर्मेशन ते पुलिस ने अरैसट करिया ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਮਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੇ ਵੈਪਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੀਅਸ ਸੁੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਣਕਿਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 250 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A 153A ਅਤੇ 25 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਹਿਰੇ ਵਿਖੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਭੱਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 48,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੋਟਲ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਹਾਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਸੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
होर भी इस तो अलावा भारी मात्रा के जो असला है उन्हें वह किसी होर स्टेट तो खरीद करके जो लेके आया तो इस हजे तक उन्हें एको ही असला प्रोवाइड कर इसके तहत जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई ने टेक्निकल टीम ऑलरेडी एक डेडिकेटडली लगी हुई है जिहड़ियां ट्रांजैक्शन तो साढ़े को कुछ इंडिविजुअल्स सामने आए हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन करी ने पॉसिबिलिटी हैगी भी वो फॉरन एलीमेंट्स के नाल लिंक के ने तो उन्होंने आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टिगेशन के शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में जिमें कि लखवीर के परिवार का कहना है कि वह एक मेहनती ईमानदार मुंडा सी सिर्फ अपने काम नाल ही मतलब रखता सी उसनू साजिश के तहत फसाया गया। उधर दूजे पासे पुलिस वालों उसते लगाए गए खतरनाक दोष बेहद हैरान करने वाले ने। हकीकत टीवी पंजाबी लहरा गागा जिला संगरूर तो अनिल जैन की रिपोर्ट।